हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से ये बना हुआ होता है, कैसे काम करता है वर्किंग के बारे में, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है मैम, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल जो है उसके और भी नाम है। इसको हम कहते हैं जेट मिल भी हम कहते हैं, माइक्रोनाइजर भी इसको कहा जाता है, और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स भी इसको हम बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ये इम्पैक्ट और एट्रिशन के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें हम जो भी सब्सटेंस जिसका हमें साइज छोटा करना है उसको हम हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम के अंदर सस्पेंड कर देते हैं। और जैसे कि आंधी, आंधी में क्या होता है कि धूल उड़ती है, वो तो इसके अंदर जब आंधी क्रिएट हो जाती है तो क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, जिसके कारण कि हमें इम्पैक्ट का फोर्स प्राप्त होता है, और जो पार्टिकल्स हैं वो इक्विपमेंट की वॉल पे रब करते हैं, घिसते हैं, जिसके कारण कि हमें एट्रिशन का फोर्स प्राप्त होता है और हमारा सब्सटेंस का साइज छोटा हो जाता है और उसको हम क्लासिफायर के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ये एक जो है इलेप्टिकल पाइप का बना हुआ होता है। ये जो इलेप्टिकल पाइप है ये इसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर के आसपास होती है, और इसका जो डायमीटर है वो 20 से 200 मिलीमीटर का होता है। अब हम देख लेते हैं इस इक्विपमेंट का डायग्राम। ये है इस इक्विपमेंट का डायग्राम। ये हमारी इलेप्टिकल पाइप है। यहां से जो भी सब्सटेंस है वो अंदर की ओर आता है, इसको हम बोलते हैं फीड इनलेट। और यहाँ पे एक वेंचुरी फीडर अटैच होता है जो कि एक कंट्रोल्ड मैनर में सब्सटेंस को अंदर की ओर इंट्रोड्यूस करता है। इस प्लेस पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फ्लूइड नोजल्स अटैच है जो कि जो एयर है उसको एक एंगल और स्पीड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से कंप्रेस्ड एयर इस इक्विपमेंट के अंदर इंटर करती है, और यहाँ पे ये ऊपर की ओर बीच में एक क्लासिफायर अटैच होता है, जहाँ से जब हमारे सब्सटेंस का साइज पर्याप्त छोटा हो जाता है तो वहां से वो क्लासिफाई होके बाहर निकल जाता है। तो ये जो इलेप्टिकल पाइप है ये स्टेनलेस स्टील, सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील या हार्ड सिरेमिक की बनी हुई होती है। अक्सर जो स्टेनलेस स्टील है या जो अंदर की सरफेस है वो उसके अंदर लाइनिंग्स होती हैं, जिसके कारण कि वहां पे एक रफ सरफेस क्रिएट किया जाता है कि एट्रिशन का फोर्स हमें प्रॉपर वहां पे मिल सके। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 से 6 नोजल्स अटैच होते हैं वो जो कि हमारे एयर को एक एंगल और स्पीड प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो कंप्रेस्ड एयर है वो 600 किलो पास्कल से लेके 1 मेगा पास्कल तक की होती है। मीन्स जो कंप्रेस्ड एयर का जो कंप्रेशन है वो 600 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल तक की कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर हम यूज करते हैं। अगर हमारा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव है, ऑक्सीडाइजेशन वहां पे हो सकता है, तो वहां पे हम कंप्रेस्ड एयर की जगह जो है कोई भी इनर्ट गैस यूज कर सकते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पाउडर है वो जो है वेंचुरी के थ्रू अंदर की ओर इंटर किया जाता है। जो भी हमारी एयर है, कंप्रेस्ड एयर है, वो जो है नोजल्स के थ्रू जब पास होती है तो वो या तो एक इलेप्टिकल शेप ले लेती है या एक क्रिएट कर देता है सर्कुलर पाथ, जिसके कारण कि उसके अंदर ये एक गोलाकार रूप में घूमने लगता है, आंधी की तरह जो है एयर इसके अंदर वो घूमने लगती है। तो जो भी सब्सटेंस या वेंचुरी फीडर की ओर से अंदर की ओर आता है वो इसके इस एयर स्ट्रीम में सस्पेंड हो जाता है। जब ये सस्पेंड हो जाता है तो ये आपस में मूव करते हैं और आपस में टकराते हैं, जिसके कारण कि सब्सटेंस का साइज छोटा होता है और इक्विपमेंट की वॉल के ऊपर भी ये रब करते हैं, तो जिसके कारण भी सब्सटेंस का साइज छोटा होता है। और जब हमारा सब्सटेंस पर्याप्त मात्रा में छोटा हो जाता है तो ये क्लासिफायर के थ्रू कलेक्ट कर दिया जाता है। इस जो है क्लासिफायर में या तो हम साइक्लोन सेपरेटर अटैच कर देते हैं या जो अटैच करते हैं बैक फिल्टर, जिसके थ्रू की जो एयर है, जो आपने ये एयर या कोई भी इनर्ट गैस है वो उसके थ्रू पास हो जाती है और जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स अभी भी मोटे हैं वो इसके अंदर रिसर्कुलेट होते रहते हैं, और तब तक ये प्रोसेस होती रहती है जब तक कि हमें रिक्वायर्ड पार्टिकल साइज का सब्सटेंस प्राप्त नहीं हो जाता। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो ये
जो इक्विपमेंट है वो अगर हमें कोई एंटीबायोटिक का साइज छोटा करना है या किसी विटामिन का साइज छोटा करना है, तो उसमें हम इसको आसानी से कर सकते हैं। एंटीबायोटिक और जो हमारे विटामिन है ये हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं, तो इस इक्विपमेंट में अगर आप देखें तो कोई भी पार्ट मूव नहीं कर रहा है जिसके कारण कोई हीट प्रोड्यूस वो नहीं हो रही है। तो हम इसके अंदर जो है ऐसे सब्सटेंस जो कि थर्मोलाबाइल होते हैं उनका भी साइज छोटा कर सकते हैं। अगर हमें वो किसी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा चाहिए तो उस केस में भी हम इक्विपमेंट को यूज करते हैं, ये प्रेफर किया जाता है। और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग अगर हमें चाहिए तब भी हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है। तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि इस इक्विपमेंट में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है जिसके कारण कि कोई हीट बिल्डअप नहीं होती। और अगर कोई सब्सटेंस हमारा थर्मोलेबाइल है, हीट सेंसिटिव है, तो उसका हम यहाँ पे साइज छोटा कर सकते हैं। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल एडवांटेज है वो क्या है, इट इज ए रैपिड एंड इफिशियंट मेथड। ये इसमें साइज डिटेक्शन तेज होता है और अच्छा होता है। इसमें वो लगभग 30 mm या उससे कम साइज का सब्सटेंस हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस इक्विपमेंट में कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो कोई टूट फूट के भी इसके अंदर चांसेस नहीं होंगे, कंटामिनेशन के भी चांसेस नहीं होंगे, वो जिसके कारण भी इसको हम प्रेफर करते हैं। अगर कोई पार्ट इसके अंदर मूव नहीं कर रहा है, जैसे हमने हैमर में देखा तो हैमर मूव कर रहा था, बाल मिल में देखा तो मतलब बॉल्स मूव कर रही थी, वो टूट के हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती थी। बट यहाँ पे कोई भी पार्ट मूव नहीं कर रहा है जिसके कारण कि कंटामिनेशन के कोई चांसेस नहीं है। अगर हम इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं उनके बारे में बात करें, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, फ्लूइड एनर्जी मिल इज नॉट सुटेबल फॉर मिलिंग सॉफ्ट टैकी एंड फाइब्रस सब्सटेंस। अगर हमारा सब्सटेंस सॉफ्ट है, मुलायम है, टैकी है, चिपचिपा है या फाइब्रस है, उसमें रेशे हैं, तो उसका हम साइज इसमें छोटा नहीं कर सकते हैं। और जो इसका अंतिम डिसएडवांटेज है वो क्या है, द इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव। ये इक्विपमेंट एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें और सारी एसेसरीज ऐड की जाती हैं, जैसे आपको कंप्रेस्ड एयर चाहिए, आपको उसमें वो नोजल्स अटैच करने हैं, क्लासिफायर अटैच करना है साइज सेपरेशन के लिए, तो इन सब चीज़ों को अटैच करने के कारण ये इक्विपमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।